अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो है शॉपिंग पर और मैंने की है मीरप की शॉपिंग। वैसे तो सब माशाल्लाह बच्चों की है, लेकिन इस वीडियो में मैं मीरप की शॉपिंग आपको दिखा रही हूँ। तो ज़्यादातर ब्रांड्स में सब तकरीबन ब्रांड्स में सेल लगी हुई थी, तो मैंने ख़रीदे हैं मिनी माइनर से। और मिनी माइनर्स में लगी हुई थी अप टू 40% सेल, लेकिन किसी पे 10% थी, किसी पे 20 और किसी पे 30, और बहुत रेयर आइटम थे जिस पर 40% ऑफ थी। तो खैर चलें, अभी वीडियो शुरू करती हूँ, आपको सारी वैरायटी दिखाऊंगी। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने बहुत ओल्ड मेरी जब मैं फ़्लाइट्स पर जाती थी तो मैंने ख़रीदी हुई थी। मीरप बहुत छोटी थी, उसके लिए मैंने ली थी क्योंकि मुझे गर्ल्स की शॉपिंग बहुत पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इस शर्ट पर, कि इस शर्ट के जो कलर कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत पसंद आया। ब्लैक एंड वाइट के स्ट्रैप्स हैं और स्वीट शर्ट है ये, और अंदर इसके जो मटेरियल है वो बहुत सॉफ्ट और प्यारा मटेरियल है, मोटा सा। तो जहाँ जैसे अगर कराची की सर्दी है उसके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इनके जो साइज़ हैं मुझे साइज़ भी बिल्कुल ठीक लगे। 7 to 8 ईयर्स मैंने साइज़ लिए हैं। और टाइट्स वगैरह और जो पैंटें वगैरह थी उनके साइज़ जो थे उसमें मुझे थोड़ा सा वो था। मीरप जो है वो काफ़ी दुबली है, स्लिम सी बच्ची है, तो ज़ाहिर 7 to 8 उसके लिए जिस तरह की इनकी पैंटें बनी हुई हैं और टाइट्स वगैरह, तो मीरप को तो ठीक है, आ जाएगा सही से। लेकिन नॉर्मली जो है ना 7 to 8 ईयर्स के बच्चे थोड़े से और हेल्दी होते हैं, तो उनके लिए शायद ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी साइज़। उनको फिर 2 नंबर बड़ा लेना चाहिए, 8 to 9 या 9 to 10 ईयर्स लेना चाहिए। तो खैर, ये चेक्स में एक पीच कलर की पैंट है, ये भी गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत हल्की भी नहीं है। तो इसके अंदर भी एक वुलन टाइप स्टफ़ दिया हुआ है और 7 to 8 इसके साइजेज़ हैं। और जो डिफरेंट डिफरेंट स्वीट शर्ट्स मैंने ली हुई हैं वो कुछ शर्ट्स ऐसी थी कि पैक ऑफ 2 थी और कुछ सिंगल में थी। तो टाइट्स वगैरह की वैरायटी भी मैंने माशाल्लाह अच्छी खासी ली है, क्योंकि मीरप टाइट्स बहुत शौक से पहनती है। उसको जीन्स वगैरह वो बहुत रेयर पहनती है, तो मैंने जीन्स उसकी बहुत कम ली हुई हैं, तो टाइट्स वगैरह मैं लेती हूँ, और स्कर्ट्स उसे बहुत पसंद हैं। एक ये डिज़ाइन था, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। ये स्वीट शर्ट्स जिस तरह की भी, जैसे लाइट कलर की हो, ग्रे हो, ब्लैक हो, उनके साथ ये डार्क कलर के जो टाइट्स हैं ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अब जैसे मैंने इस शर्ट के साथ इसको मैच करके देखा है तो इसके साथ भी ये जाएगी। और इसके अलावा ब्लैक एक मैंने टाइट्स ली है, उसके साथ तो बहुत ही प्यारी लगेगी। तो इस तरह की मैंने मिक्स एंड मैच करके जो है वो मीरप की शॉपिंग की है। तो इसका भी अगर स्टफ़ देखें तो ये भी मोटी टाइट्स हैं, लाइट नहीं है बिल्कुल भी, ये परफेक्ट है विंटर्स के लिए, बहुत अच्छी टाइट्स हैं। सेम साइज़ है, स्ट्रेचेबल भी है, और कपड़ा मटेरियल तो बहुत ही कंफर्टेबल है। अच्छा, पहले मैं आउटफिटर से शॉपिंग करती थी, लेकिन आउटफिटर में अभी तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो गया है और उनकी वैरायटी क्वालिटी उस हिसाब से अब वो नहीं देते हैं, तो ये इसलिए मैंने वहाँ से लेना छोड़ दिया है। तो ये वाली जो शर्ट है ये पैक ऑफ 2 थी, इसके साथ एक पिंक कलर की शर्ट थी जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। तो बहुत कंफर्टेबल मटेरियल है, मिनी माइनर्स के कपड़े मुझे बहुत पसंद हैं बच्चों के, और मुझे स्पेशली गर्ल्स की शॉपिंग तो बहुत ही अच्छी लगती है करना। तो इस शर्ट के साथ मैंने इस टाइट को मैचिंग किया है, और ये फ्लावर छोटे से बने हुए हैं, इसका भी स्टफ़ मोटा है, सेम साइज़ है, सेम साइज़ के मैंने सारी टाइट्स ली हैं। और मटेरियल बहुत कंफर्टेबल है, थोड़ा सा मोटा कपड़ा है अंदर से, यानी कि वूलन टाइप थोड़ा सा है, जैसे बहुत सॉफ्ट और बहुत प्यारा मटेरियल है, स्ट्रेचेबल भी है। तो इसके साथ मैंने ये टाइट सेट किए हैं, मतलब कि आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं, लेकिन मुझे ये इसके साथ बहुत अच्छी लग रही थी। उसके अलावा कुछ शॉपिंग में दिखाती हूँ एसेसरीज़ की। एसेसरीज़ मैंने यहाँ से नहीं लिए, कुछ यहाँ से लिए हैं। अब ये वाले सॉक्स जो हैं ये मैंने चाइना से लिए हैं, तो मीरा बहुत छोटी थी उस टाइम, मुझे ये बहुत प्यारे लगे थे, ये बनी है, पता नहीं टेडी बियर शायद है, तो ये सॉक्स मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे इसीलिए मैंने वो ले लिए थे। और एक ये था पेयर सॉक्स का, तो ये सारे, और ये जो सेंटर में सॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, अच्छा ये भी मैंने वहीं से लिया था, चाइना से ही लिया था, ये पैक ऑफ 3 था, आई थिंक 2 मैं यूज़ कर चुकी हूँ। और ये वाला जो है ये मैंने लिया था मलेशिया से, और ये भी मुझे बड़ा पसंद आया था। ये कोई बच्चों के कपड़ों का बहुत अच्छा ब्रांड था, उनके पास ये मटेरियल था। तो ये वाला जो है, ये ग्लव्स मैंने लास्ट ईयर लिए थे आउटफिटर से, और मैंने एज इट इज़ रख दिए थे क्योंकि बच्चों की चीज़ें तो काम आती जाती हैं। ये भी बीनी है, हेड कैप है, ये भी मैंने आउटफिटर से लिया था लास्ट ईयर,
और मैंने इसको भी संभाल के रखा था, क्योंकि उस टाइम काफ़ी चीज़ें थी इस्तेमाल की तो ये यूज़ में आया नहीं, इसीलिए मैंने इसको जो है वो रख दिया कि नेक्स्ट विंटर्स में काम आएगा। और इस बार मैंने ये निकाली है तो इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे, तो आपको आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ सारी जो भी वैरायटी मैंने जो रखी हुई थी और जो भी मैंने परचेज़ की है। तो ये चेक्स में मैंने आपको पीच कलर का एक टाइट्स दिखाए थे, उसी के जैसे सेम है, ये डिफरेंट कलर है और एज़ इट इज़ सेम वही डिज़ाइन है, वही सारा कुछ, और मटेरियल भी सेम है, स्ट्रेचेबल, सेम साइज़ है। तो टाइट्स मैंने इतने सारे इसलिए लिए हैं कि विंटर में बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना कंफर्टेबल हो जाते हैं टाइट्स में, क्योंकि उनको ठंड कम लगती है, मुझे ऐसा लगता है। और ये हकीकत भी है कि टाइट्स अगर पहनेंगे तो कम सर्दी लगती है। टाइट्स का बेनिफिट सेकंड ये है कि अगर आप टाइट्स पहने उसके साथ ऊपर अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है तो ऊपर पैंट भी पहन सकते हैं, तो एज ए ये थर्मल भी आपके काम करती है। अच्छा, मीरब को बहुत ज़्यादा स्कर्ट्स का शौक है, उसको स्कर्ट्स भी बहुत पसंद है, तो इस बार मैंने सारी शॉपिंग वही की है जो उसको पसंद है। तो ये एक बॉटल ग्रीन कलर की मुझे शर्ट पसंद आई जिसमें बो लगा हुआ है खूबसूरत सितारों का, और स्वीट शर्ट है ये, इसके साथ मैंने इस स्कर्ट को मैच किया है। ये स्कर्ट मुझे 40% ऑफ में मिली थी और मुझे बहुत प्यारी लगी, थोड़ी फैंसी टाइप है। इस कपड़े को क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हल्की सी सिल्वर ग्लिटर सी आ रही है। तो ये बो बना हुआ है इसका और बहुत खूबसूरत मिक्स एंड मैच कलर हैं, डिज़ाइन है बहुत प्यारा, एक प्लेन लाइक शेड में शर्ट है और उसके साथ ये जो बो बना हुआ है बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये स्कर्ट्स मुझे इसके साथ बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने इसको मिक्स एंड मैच करके ले लिया। अच्छा जी, ये लेगिन है मैंने ली थी बच्चा पार्टी से, 3 का पैक था, पैक ऑफ 3 था, तो 2 यूज़ हो चुकी हैं अभी, एक ये अभी न्यू है, तो मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर कर लूँ। बहुत प्यारा मटेरियल है, बच्चा पार्टी में भी बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो मटेरियल वाइज़ भी बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज़ भी अच्छे हैं और रीज़नेबल प्राइस हैं इनके। अच्छा, कपड़े हमेशा मैंने साइज़ेस जो हैं एक नंबर बड़ा ही लेती हूँ, ताकि बच्चों को थोड़े से पहनने में कंफर्टेबल भी हों, इजी लूज़ हों थोड़े, और जल्दी बच्चे ग्रो करते हैं तो वो छोटे भी ना पड़ जाएं। अच्छा, ये शूज़ हैं पर्पल कलर के हैं, पर्पल एक्चुअली मीरा को बहुत पसंद है, इसीलिए वो पर्पल कलर की हर चीज़ लेती है। तो ये पर्पल शूज़ हैं ऐसे, और बच्चा पार्टी से लेकर आए थे, तो बस ये अभी मैंने इनको पहना पहना के दिखाया है और देखें इनकी मस्तियाँ और इनके एक्शन। तो बस ये है कि मैंने मिक्स एंड मैच करके कपड़े दिखाए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर पहली बार देख रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।